हमारा जो बैलेंस चैप्टर चल रहा था उसमें हमने लगभग खुद लेवल का सब चीज मतलब पार्ट कंप्लीट कर लिया था। पासवर्ड का क्षेत्र क्या होता है, संपूर्ण का क्षेत्र क्या होता है। हमारा खोखला लेवल से बस एक और टॉपिक लास्ट टॉपिक है वो जो बचा हुआ था हमारा खोखला लेवल का आयतन, आज हम लोग उससे बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा इसके लिए पिछला वीडियो कोई कंटेंट नहीं चाहिए, हम लोग इसके लिए ठोस बनेंगे। जो आयतन जो समझे थे उसका थोड़ा सा बेसिक लगेगा तो वही हम आपको बता दें। ठीक है, उसके फिर हम लोग आज शुरू करते हैं। तो हम लोग देखें कि ठोस बन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, जिसमें ये क्या होता है, वो अर्धव्यास होता है, ये क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये हम लोग ठोस बन में देखे थे। तो ठोस बन का आयतन क्या होता है, वो ठोस बेलन का आयतन क्या होता है, भैया पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, आयतन इकाई क्या होता है, घन इकाई, घन। ठीक है, ये हमारा होगा ठोस बेलन का आयतन। लोग बहुत पहले वीडियो देखे थे, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि खोखले बेलन का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो आपका जो खोखले बेलन का कॉन्सेप्ट है इसी से हम लोग ट्राई करेंगे। आज हमने ट्राई करा ना, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, कैसे वो फॉर्मूला आता है वो आज देखेंगे। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं पहले। ये तो आप लोग बस रिकॉल कराया था कि आप लोग ठोस बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ठीक, अभी कैसे आया था उस वीडियो में आपको एकदम समझाया हुआ था। ठीक है, तो अगर दिक्कत अगर हो रहा होगा कैसे आया होगा ये सब कुछ क्वेश्चन आया तो वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं देखे तो देखे तो देखे तो आपको डाउट आएगा। चलिए अब हम लोग क्या होगा, ये देखिए एक बेलन है, ठोस बेलन है। देखिए ये बंद है आज आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या होगा हम लोग का ठोस बेलन है। तो देखिए अगर इस बेलन का आयतन कोई पूछे तो अब बोलेगा भैया क्या क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी जितना उसमें क्या बोलते हैं हमारा जो भी उसका आर का वैल्यू होगा उसको बैठा देंगे, एच का वैल्यू बैठा देंगे, पाई का वैल्यू बैठा देंगे, सबको वैल्यू करके निकल जाएगा हमारा। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि इस खोखले बेलन का आयतन क्या होगा तब आप परेशान नहीं होगा, तब क्या डिफरेंट है, हम इसको नहीं निकाल सकते। आप तो जब वो फार्मूला लगा देंगे, नहीं इसको बीच में खा लिए, यानी वो फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते, तो कौन सा यूज करें, तो ये बात हमें देखना है। ठीक है, अब खोखला बेलन का थोड़ा सा दिखा रहे कैसे दिखता है वो आपको पता है, मैं दो तीन वीडियो से देखता है और हमें देखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा एकदम धंधा मुंडा सा शॉर्ट बनो देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा खोखला बेलन दिखता है, ये क्या होता है हमारा स्मॉल आर, यानी ये क्या होता है आंतरिक अर्धव्यास, आंतरिक अर्धव्यास, ये हमारा क्या होता है बाहरी अर्धव्यास, जिसको हम लोग कैपिटल आर दिखाते हैं, ये क्या होता है ऊंचाई होता है। ठीक है, आपको बस जितना भी समझे बस इतना रखिए, ठोस बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बाकी आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम क्लियर करा देते हैं। अब एक बात बताइए, इसका आपको फॉर्मूला पता है ठोस बेलन का आयतन कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी जो भी इसका आर का वैल्यू होगा उस हिसाब से हम बैठा देंगे। ठीक, लेकिन ये जैसे ही खोखला बनेगा, जैसे ही ये खोखला बनेगा उस समय हमें एक बात सोचना है। देखिए अगर सब कुछ कीजिए, अगर इस बेलन का आयतन ठोस जब है इस अवस्था में, इस बेलन का आयतन सोच के लीजिए तो आपका कितना है, हजार हजार सेंटीमीटर क्यूब है, हजार सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 1000 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम काम करें जैसे ये खोखला हुआ, ये देखिए खोखला बेलन हो गया, तो ये देखिए हम क्या निकल रहा है, अंदर से एक बेलन निकल रहा है, जैसे हम इसको खोखला कर रहे हैं अंदर से भी बेलन निकल रहा है, क्या हो रहा है, आयतन और अलग बेलन निकलेगा। एक बार ध्यान से देखिए इसको फिर, तो जब ये ठोस रहेगा तो यानी भरा हुआ अंदर मटेरियल रहेगा, रहेगा तो यानी इसका अगर आयतन हो हजार किलो हजार सेंटीमीटर क्यूब और जैसे ही अंदर वाला निकाल देंगे तो इसका वेट तो हमारा घट जाएगा ना, घट जाएगा, यानी हम एक बात देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, अगर खोखले बेलन का आयतन निकाला तो उसके हम क्या करेंगे, जो हमारा बाहरी वाला पासवर्ड बाहरी वाला अर्धव्यास है उससे जो आयतन निकलेगा
उसमें से हम आंतरिक आयतन को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, खोखले वाला का आयतन निकलेगा। आप वो वाला कांसेप्ट क्या है याद कीजिए, जो वृत्त वाला क्षेत्रफल वाला था जो कलर किया हुआ, इससे क्या हो जाएगा, इसका आयतन क्या निकलेगा, पूरा का आयतन निकाल लीजिए, इसको ठोस पे ना एज्यूम करके पूरा आयतन निकाल लीजिए। जब हम पूरा का आयतन निकालेंगे तो इससे बड़ा बड़ा यूज हो रहा होगा। उसके बाद जब हम इसको अंदर वाला पार्ट निकाल देंगे तो अंदर वाला पार्ट निकाल क्या हो गया हमारा, ये जो आंतरिक और व्यास है उसका आयतन हमारा माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए एक बार दिखा लेते हैं इसको, ठीक है, अब हम यूज करके दिखा लेते कैसे होगा। चलिए हम लोग एक खोखले वाले का आयतन बात करेंगे। अब देखिए जो हमारा बाहरी और व्यास आयतन बनेगा, बाहरी और व्यास के साथ आयतन और व्यास के साथ आयतन, ठीक है। अब देखिए बाहरी और व्यास के साथ आयतन जब हम ले रहे होंगे तो अंदर हम कोई बात नहीं करेंगे, यानी क्या बात कर रहे हैं, ये टोटल आयतन है, ऐसे हमारे पास एक क्लोज रहेगा तो इस पर बात करें, यानी बाहर का व्यास कौन सा होगा। मैं देखिए तो यहां से एक केंद्र लेके हम यहां से शुरू कर यहां तक पूरा गया, यानी क्या हो रहा होगा हमारा, बड़ा वाला आर यूज कर रहे होंगे इसमें, बड़ा वाला आर यूज कर रहे होंगे, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, समझ आया आपको। अब देखिए अगर हम खोखला वाला निकाल रहे हैं, अंदर का पार्ट नहीं रहेगा खोखला वाले में, यानी हमारे साथ क्या हो रहा है, देखिए तो आंतरिक अर्धव्यास वाला जो है, आंतरिक अर्धव्यास वाला जो हमारा क्या है बेलन है, वो अंदर अंदर से जो हमारा पार्ट निकला वो क्या हो रहा है, हमारे पास माइनस हो जा रहा है, यानी क्या बोल देंगे, माइनस आंतरिक अर्धव्यास के साथ आयतन, के साथ आयतन, इसके साथ आयतन क्या होगा, वो पाई आर स्क्वायर एच। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, फाइनल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, इकाई क्या होगा, घन इकाई, इसका भी आयतन जो है घन इकाई, ये भी आयतन, आयतन के बाद जांच करेंगे हम घन की बात करेंगे, ठीक है। अभी फॉर्मूला में इसको कॉमन में लिया था, फिर भी एक बार रिकॉल कराते हैं, देखिए एक बार और आपको एकदम सटीक से इसको रिकॉल कराते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपके पास ये ठोस बेलन का था, तो आपको इसका आयतन पूरा निकाल लिए, आप इसका आयतन पूरा निकाल लिए तो इसका आयतन आपके पास आया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जैसे ही अंदर का पार्ट आप निकाल दिए, अंदर वाला पार्ट निकाल दिया, यानी अंदर वाला पार्ट का आपका आयतन आया 800 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका आयतन कितना होगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यही बच रहा है ना हमारा, ठीक है। एक और तरीके से इसका समझ सकते हैं, देखिए ठीक है, आप सब कुछ कीजिए, अभी इसका वेट होगा वो 10 kg, अभी इसका वेट कितना बाबू, 10 kg, ठीक है, इसका वेट हम इसको सिचुएशन नंबर 1 दे रहे हैं, यानी सिचुएशन नंबर वेट का 1 की जो हमारा सिचुएशन नंबर 1 है उसका वेट कितना रहा, 10 kg, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ये अंदर का हिस्सा निकाल रहे हैं तो जब हम इसको वेट कर रहे कितना आ रहा है, 8 kg, यानी इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे बाबू, 2 से, यानी इसका वेट कितना आ रहा है, 8 kg, ठीक है। तो हम लोग आपको पता नहीं चल जाएगा कि केवल ये जो खोखला है इसका आयतन कितना है, यानी इसका वेट कितना है, तो 2 kg डेफिनेटली वैसे ही हम आयतन निकालेंगे, क्या करेंगे, एक बार बाहरी वाला का साथ आयतन निकाल देंगे, अंदर वाला पार्ट हम आयतन निकाल के हटा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, केवल इसी सका हमारे पास आयतन आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद अगर कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आप इसमें कॉमन ले सकते हैं क्या, कॉमन ले सकते हैं, पाई दोनों में है तो कॉमन चल जा सकता है, एच दोनों में कॉमन चल जाएगा, यानी क्या कॉमन ले सकते हो पाई एच, तो क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर घन इकाई, घन इकाई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, फिर कोई डाउट उठ रहा है तो आप कमेंट करके क्लियर कर देंगे, ठीक है। हम एक बार सही से फॉर्मूले के ब्रैकेट कर दीजिए, आपको याद कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन क्या होगा हमारे पास, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर घन इकाई, घन इकाई, जहां पर हमारा क्या हो, जहां पर हमारा एच क्या बताता है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, कैपिटल आर क्या बताता है,
केपलर क्या बताता है? बाहरी अर्धव्यास की लंबाई, बाहरी अर्धव्यास की लंबाई। स्मॉल आर क्या बताता है? आंतरिक अर्धव्यास की लंबाई। तो क्या पाई तो आपको पता है, पाई क्या होता है, पाई वैल्यू कितना होता है, पाई एक कांस्टेंट है, स्केल कितना होता है, पाई छोटा सा आता है 3.14। ये आपका कोकलमेन कैप्सूल का फाइनल फार्मूला है। ठीक है, एक बार आप खुद इमेजिन करके देखिए, एक बार आप फाइनल लास्ट दिखा देता हूं आपको, कंफ्यूजन नहीं रहता है। देखिए इसका वेट समझ के समझ लीजिए 10 केजी है, इसका वेट 10 केजी है, हम लिख दिए कि इसका वेट 10 केजी है। ठीक है, अब हम क्या लिखिए, ये अंदर का पार्ट निकाल लिए, इसका वेट लिख दिए 8 केजी है, तो जब हम इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका वेट निकलेगा, तो वही किया गया बस। एक बार कुछ इमेजिन किया क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है फार्मूला क्लियर हो गया। ठीक है, अब जब खोखला कलर क्या आएगा, तो क्या हम क्या करेंगे, जो बाहरी अर्धव्यास के साथ आयतन बनेगा उसमें से जो आंतरिक अर्धव्यास के साथ आयतन बनेगा उसको माइनस कर देगा, फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेते हैं, उसको लेके एग्जांपल देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। ठीक, चलिए अब बताते हैं इसको। चलिए तो एग्जांपल के लिए आप एक शब्द लिख लीजिए, डायग्राम में बताया गया आपको पता है, हम लोग को पता है, अब वो चालू डायग्राम फिर दोबारा बनाने के से आप मिटाते ही नहीं। चलिए तो एग्जांपल में क्या लिखेंगे, वो एक तो शब्द लिखेंगे, गंदा सा गंदा सा प्यारा सा, और या गोली गोली से गोली दीजिए तो गोली गोली। ठीक है, एक दो मुंह खुले, दो मुंह खुले, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई 42 सेंटीमीटर, ठीक है, हो तथा हो और बाहरी अर्धव्यास की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा आंतरिक अर्धव्यास की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करें, का आयतन ज्ञात करें। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या बोला, एक दो मुंह खुले बेलन का ऊंचाई जो है 42 यानी 42 सेंटीमीटर हो और बाहरी अर्धव्यास की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तथा आंतरिक अर्धव्यास की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो खोखले बेलन का यानी जो भी बेलन हमारा स्टार्ट को निकालना है। ठीक है, चलिए वीडियो पास में चलते हैं, सॉल्व कीजिए, तो चलिए सॉल्व कीजिए, उसके फिर हम सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5, चलिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते समय सबसे पहले हमारा डायग्राम बनाना, डायग्राम यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो उसके हम क्या लिखते हैं, जो भी डाटा दिया था उसको लिख देते हैं, दिया गया है कि, ठीक है, क्या दिया गया, वो बेलन की ऊंचाई ऐसे दिखाते हैं, लिखना है वो 42 सेंटीमीटर, बाहरी अर्धव्यास बेलन के बाहरी अर्धव्यास की लंबाई, बाहरी अर्धव्यास की लंबाई यानी कैसे दिखाते हैं, कैपिटल आर से, इसका मतलब कितना हो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन के बेलन के आंतरिक अर्धव्यास की लंबाई यानी स्मॉल आर दिखाते हैं, तो कितना हो 4 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन क्या है, दो मुंह खुला बेलन यानी खोखला बेलन है, खोखला बेलन का आयतन फॉर्मूला आपको पता है, खोखले बेलन का आयतन
का आयतन, इसको भी क्या होता है बहु, पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर घन इकाई, घन इकाई, ठीक है। तो वैल्यू बैठा चाहिए, पाई का वैल्यू 22/7, एच कितना दिया होगा यहाँ पे 42, ठीक है। अब देखिए कैपिटल आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता होगा, बोले तो पिछले वीडियो में आपका स्क्वायर करके देखिए 5 का कितना हो जाएगा, 5 का 25, 4 का 4 को जा 16, तो कितना हो जाएगा 22/7 into 42 by 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 कितना होगा 9, तो क्या हो जाएगा 22/7 into 42 9, 7×42 ये कितना आ गया हमारा 22 into 6 into 9 कितना आ गया 22 into 54 और 54 into 22 कर लीजिए 8 10 8 10 यानी 1188, कितना आ गया 1188 सेंटीमीटर क्यूब हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आया आपको क्या करता है, जब तो डाटा दिया होगा सामने बैठा दिया। अब देखिए कभी क्वेश्चन क्या करते हैं, तो हो सकता है क्या करेगा, ये दे देगा और इन दोनों को ये कर देगा, गायब कर देगा, ठीक है। यानी देखिए हमारा टोटल इसको क्वांटिटी कितना हो रहा है, ऊंचाई हो रहा है, बाहरी का व्यास हो रहा है और आंतरिक का व्यास हो रहा है और आयतन हो रहा है, चार में से कोई तीन देगा ये गायब कर देगा, तो रोटेट कर क्या निकाल दीजिएगा, और वैसे भी जो इसका वर्कशीट मिलेगा उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है सब, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा ये वीडियो जो था इस चैप्टर का जितना मैं पढ़ाना था उसका लास्ट वीडियो था ये, अब इसमें पढ़ाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ, ये चैप्टर हमारा अब खत्म हो चुका है। अब आपका काम बनता है कि आप क्या कीजिएगा, आपका जो बुक है क्वेश्चन का जो बुक है उसको उठाइएगा और थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जितना सॉल्व होगा अच्छा है, जितना नहीं सॉल्व होगा उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सब पूरा जो चैप्टर है उसको सॉल्व करा देंगे। अब आपको जो जो केवल पार्टिकुलर डाउट होगा क्वेश्चन उसी को देखिएगा और बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मान समझ लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन डाउट हो गया तो आप वीडियो भगा दीजिएगा और वहां देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है वहां देख लीजिए, पास खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और बुक का जो चैप्टर है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बाय।